क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे? ऐसी खबरें तेज हैं कि नीतीश कुमार जो है विधानसभा चुनाव जल्द ही करवा सकते हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, चुनाव पहले ही हो जाएगा क्या समय से? नहीं, कहाँ से, ये कौन भविष्यवक्ता आ गए? ऐसी खबरें चल रही हैं सर। अरे वो तो लालू जी से ना पूछिए कि लालू जी कहे कि 31 अगस्त तक सरकार चली जाएगी दिल्ली की, तो उनका जो भविष्य टिप्पणी देखे वो कहाँ है, होरोस्कोप पर जो बनाए हैं वो कहाँ है? अभी टाइम बाकी है उनके। हाँ तो बस अब कई दिन बच रहा है? 3-4 दिन। तो 3-4 दिन में बता दें। अब भादो चढ़ गया तो बताएंगे ना भाई, इसलिए इस टाइप का बयान का कोई औचार्य भाई हमको काम करने के लिए मिला है, और अभी हमारा हर खेत तक पानी पहुँचाने की कार्य योजना पहुँचाना है, जैसे हर घर बिजली पहुँचाए ना, जो वोट हमको नहीं दिया वो भी बिजली जला रहा है, उसको लाजो नहीं लगता है कि ललटेन को वोट दिया तो बिजली कटवा ले अपना? लाज लगना चाहिए ना उसको कि नीतीश कुमार जी की उपलब्धि पर हम काम कर रहे हैं, तो बिजली का कनेक्शन ले लिए आप तो कटवा लीजिए बिजली, हमको वोटवा नहीं दिए हैं तब। तो हर खेत तक पानी पहुँचाना है, उस कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, अभी हम उस काम पर हैं। हर 40 किलोमीटर पर गंगा पर ब्रिज बन रहा है, तो ये सब काम ना करेंगे तब ना जनता के बीच जाएंगे। हम लोग कोई जात पात धर्म पर जाते हैं, हम लोग काम के बदौलत जाते हैं। इतना काम कर रहे फिर भी तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं कि पूरे भारत में बिहार नंबर 1 पे है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। उनको पहले कहिए पढ़ने के लिए, सलाह मेरा है, सलाह मेरा है पढ़ना चाहिए, और सुविधा के अनुसार जो दवा खाते हैं वो दवा का नाम भी बताइए। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ें ठीक से कि बिजली के मामले में बिहार कहाँ है, यह पढ़ा है कि सड़क के संपर्कता में कहाँ है, और बिहार ने यात्रा कहाँ से शुरू की है? अपने पिताजी से बात होता है ना, नाराज होंगे पिताजी क्योंकि मालिक ही बन गए थे, 4 सीटें आया, अचार का विशेष ज़रूरत होता है, तो पिताजी से पूछ लें, पापा 4.5 रुपया में आप चरवाहा विद्यालय में पढ़ाते थे बच्चों को महीना में, और नीतीश अंकल 5 रुपया में पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक, इंजीनियर बना रहे हैं, तो दोनों में कौन अच्छा है, कौन अच्छा है? जानता था लोग, कोई जानता था बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेज भी होता है? नीतीश कुमार जी ने 8 एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, 2000 महीना देश में उदाहरण है, कहीं नहीं है, देश भर में उदाहरण है कि 2000 रुपया महीना बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है कि पढ़ो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावना है। सारा हॉस्पिटल में तो मिलती थी साउथ इंडिया की बेटी, आ जाइए तो सब हॉस्पिटल, बिहार की बेटी नर्सिंग कर रही है कि नहीं, सुविधा ये सब कहाँ लिख रहे हैं? वो तो बार बार लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्वीट वाला को क्विट कर देता है जनता, 4 सीट पर लटका दिया ना, 4 टांग लेकर के लटकल है अपना, अब घूम का नहीं रहे हैं, कहते 15 अगस्त के बाद जाएंगे, आभार यात्रा पे निकलेंगे। अब आभार यात्रा, अरे भार यात्रा न करें कि हमारा बटखारा 250 ग्राम का है, आभार तो वो न करेगा जिसको 30 सीट मिला है, ये तो भार यात्रा करें कि हमारा वजन 250 ग्राम का है, 200 ग्राम का, 150 ग्राम का, ज़्यादा बेहतर होगा। कि पिछली बार खाता भी नहीं खुला था सर, इस बार 4 सीट। इनके पिताजी का भी खाता नहीं खुला था, सॉरी, क्या पिताजी को भी 4 सीट आया था, तो 4 सीट से संतुष्ट है ना, तो 4×6=24, 24 को विधानसभा में आवेगा, तबला मृदंग बजाते रहिए। लगातार कह रहे हैं कि इस गरीबी में भी नंबर 1 पे है पूरे भारत। अरे वो गरीबी है, बिहार के आम आवाम तो अपने जीवन की चुनौती जूझिए रहा है, आप गरीब हैं, आप गरीबी की बात बोलते हैं। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, पटना का सबसे बड़ा जमींदार है लालू यादव, सबसे बड़ा जमींदार पटना के हैं, इतना जमीन किसी के पास नहीं, छोड़ दीजिए मुजफ्फरपुर, छोड़िए गोपालगंज, छोड़ दीजिए आप पुस्तैनी जमीन 1 बीघा था, नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करें। सेलार कला जहाँ ननिहाल है वहाँ भी जमीन है इनको, उसको तो बख्शे नहीं किसी को। नाटा चौधरी राबड़ी देवी जी के चाचा थे, उनके परिवार को रेलवे में नौकरी मिला, उनसे भी लिखवा लिया। कह रहे पलायन में भी बिहार नंबर 1 पे। कौन कहता है पलायन? तेजस्वी उसको पलायन कहते हैं? तो देश का इंजीनियर अगर जाकर के अमेरिका में नौकरी कर रहा है तो पलायन है, ये पलायन है, दूसरे देश में जाकर के काम कर रहा है तो पलायन है, उस देश का नागरिक नहीं है क्या? तो उसको भी पलायन कहिए, और सिंगापुर से लाके पलायन करा के चुनाव लड़ाइएगा, ये पलायन नहीं है राजनीतिक पलायन, सिंगापुर में रहिएगा चुनाव लड़िएगा,
यहाँ से आकर के, तो ये पलायन है कि नहीं, भगदड़ जो मचा हुआ है इसी के लिए है। अब तो स्थिति हमको लग रहा है कि ये होने वाला है कि लालू जी का परिवार भी खाली रहेगा पटिया में, बाकी सब छोड़ के चल जाएगा, बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या करेगा भाई वहाँ। अच्छा तब बताइए तो कुर्सी है। अब सिद्दीकी साहब इतने सीनियर लीडर हैं, अब सिद्दीकी साहब 15 में जब शपथ होता है तब शपथ लेते हैं 5वां नंबर पर, ये तो राजनीतिक जलील करना हुआ ना। विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी रहेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, क्या गुनाह है उनका, एक लंबा विधायी जीवन है। लेकिन चूंकि लालू जी के परिवार में जन्म लेना एक आवश्यक शर्त है, तो दरखास्त लेके तो कोई जन्म लेता नहीं है, इसलिए ये सब बात तेजस्वी यादव आप मत बोलिए, आप राजनीति के आप खेल में एक्स्ट्रा प्लेयर रहे हैं, राजनीति में भी जनता ने तय किया आपको एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रखना। श्याम रजक जेडीयू में आ सकते हैं? अब उसकी जानकारी मुझे नहीं है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ये हम लोग खाली मार्केट बढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि हमको जानकारी है, जानकारी एक को नीतीश कुमार जी को। अच्छा, बिहार में आपराधिक मामले जो है उस पर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कौन आपराधिक घटना जिस पर कार्रवाई नहीं हुई हो? अभी अररिया में जो घटना हुआ, जो ट्वीट पर हैंडल किया है, कितने लोग की गिरफ्तार, कोई राष्ट्रीय जनता दल का विधायक ने पुलिस को खबर किया? ट्वीट तो नहीं, हम बता रहे हैं ना, राजद के कार्यकर्ता ने खबर किया, उस गांव के निवासी ने किया नहीं, सोशल मीडिया की टीम पर आया और हमारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 अपराधी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया, जेल। उसी मामले को लेकर कह रहे थे तेजस्वी यादव राक्षस राज आ चुका है बिहार में। अब ये सब सब तो हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो उनको बहुत पीड़ा होगा, अभी उम्र कम है, पढ़िए लिखिए और शब्दावली सीखिए, अगर नहीं पढ़ने में मन लगता है तो बिना पूंजिए का किताब एगो मंगवा लीजिए हरिशंकर परसाई जी का, राजकमल में मिलेगा, अब व्यंग पढ़िए, राक्षस राज कहा जाता है। कानून के राज में अगर ढिलाई हुआ है तो वह कहा जाएगा कि यह शिथिलता है, लेकिन अगर राक्षस राज कहेगा तो नहीं निकलते होंगे आप, नहीं निकलिएगा घर से, क्योंकि आप तो निकलिएगा तो आपको राक्षस मिल जाएगा, क्योंकि विधानसभा तो आप गए नहीं, इस बार सत्र चला तो इसका अंदर वहाँ राक्षस बैठा हुआ था सब, तो आपके दल के विधायक के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ राक्षस है सब, इसका मतलब आप अपने आप को भी राक्षस मान रहे हैं, और डर से नहीं निकलिएगा मत, कानून के राज पर बोल रहे हैं। अगर कहीं गलती से शादी विवाह में शाम में निकले तो इनका वीडियो फुटेज बनाइए कि शाम में कैसे निकले हैं भाई, अब तो डर, अब डर जाना चाहिए सबको, अब तो कोविड का काल आ गया है कि एकदम खिड़किए से लोग देखता है, घर में कैद हो जाता है ना, नहीं निकलेंगे, अब तो बगला मुखी हनुमान चालीसा इबादत करके लोग जा रहा है कि नहीं, अब तो जान बचेगा तब। अरे नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक जनता सुरक्षित है और कानून का राज कायम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की, बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, धन्यवाद।